नाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। कई बार लाइव में और कई कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा है कि कोई व्यक्ति अगर रुष्ट होकर चला जाए तो उसको वापस बुलाने का क्या समाधान है। तंत्रोक्तर विधि में रुष्ट हुआ व्यक्ति और नष्ट हुआ सामान को एक संज्ञा में रखते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति रुष्ट होकर के भाग गया, उसका दो अभिप्राय होता है। एक तो कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप संबंधित थे, जिससे आप संबंध रखते थे, वो रुष्ट होकर आपके जीवन में जीवन से चला गया है, वो वापस नहीं आ रहा है। आपको पता है उसको अर्थ और, लेकिन आप उससे संपर्क नहीं साध पा रहे। और दूसरा ऐसे व्यक्ति जो घर छोड़ के भाग गए, जो लापता हो गए, जिनका कोई अस्तित्व आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति। दूसरा जो सामग्री आपकी नष्ट हो गई है, मिल नहीं रही है, और इसके पीछे कारण है कि आप उसको लेकर काफी नकारात्मक थे या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसको नष्ट हुआ सामान बोलते हैं। तो किस तरीके का तंत्र हम लोग प्रयोग करेंगे? हम लोग जो तंत्र प्रयोग करेंगे आज, वो एक रूप से तो मसानी क्रिया है, लेकिन ये आम गृहस्थ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रेतों की सहायता ली जाती है उस व्यक्ति या उस समूह या उस वस्तु को वापस लाने के लिए जो कि आपका था और अब आपका नहीं रहा। अगर व्यक्ति है जिसको आपको वापस बुलाना है, वो भाग चुका है, तो आपको उस व्यक्ति का एक वस्त्र चाहिए जो उसने पहना हो। धोया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा, उस कपड़े में उस व्यक्ति का पसीना होना चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए एक अनार का कलम और साथ में चाहिए रक्त चंदन, ठीक है। और अगर आपको कोई आपका नष्ट हुआ वस्तु ढूंढना है, ऐसे वस्तु को ढूंढना है जो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से वो कहीं खो गया या किसी के पास रह गया, उसको आपको वापस अपने पास लाना है, तो उसके लिए सिर्फ आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका जाप करना है। मंत्र क्या है, तीन बार बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते क्लिम्मो। यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते क्लिम ओम। एक अंतिम बार सुनिए, यस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते क्लिम ओम। अब इसका जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मंत्र आपको दिया, उसमें गतम नष्टम जो शब्द हमने बोला, उस स्थान पर उस व्यक्ति का नाम या उस वस्तु का नाम का उच्चारण करना है, ठीक है। जो व्यक्ति का आपके पास वस्त्र है पहना हुआ, मतलब उसमें उसका पसीना या गंध होना चाहिए, ठीक है, उस पर अनार के कलम से आपको ये मंत्र लिखना है। किस चीज से आपको लिखना है? रक्त चंदन से, ठीक। और उसके बाद 21 दिन तक सुबह उठ करके बिना शुद्धिकरण के खुद के इस वस्त्र को आपको चरखे में बांध देना है और विपरीत दिशा में मंत्र का उच्चारण करते हुए आधे घंटे तक या 108 बार आपको चरखे को उल्टे दिशा में घुमाना है। इसको ध्यान रखिएगा कि चरखा, एक तो चरखा मिलना मुश्किल है, सही बात है, लेकिन अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसके लिए चरखा खरीदें आप, उसके धागे में ये कपड़े को बांधें और उस चरखे को उल्टा चलाएं मंत्र बोलते हुए 108 बार या आधे घंटे तक बोलना है। जिनका वस्तु नष्ट हुआ है, वो सिर्फ इस चरखे को उल्टा घुमाएंगे और 108 बार या 10 माला जो भी हो इस मंत्र का जाप करेंगे। 21 दिन तक ऐसा आप लोगों को करना है। देखिए, इसमें क्या है कि क्लिम ओम मंत्र से अंत हुआ है, मतलब भगवती के गण जो है वो आपका जो भी वस्तु है खोया हुआ उसको लेके आएंगे।
तो इसके नियम क्या होंगे? नियम इसके होंगे कि आप लाल वस्त्र पहनेंगे, आप जमीन पर शैया करेंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप शाकाहारी रहेंगे, आप अगर संध्या में पूजा करेंगे तो आप नॉर्थ दिशा को देखते हुए पूजा करेंगे, और संध्या से पहले पूजा करेंगे तो ईस्ट दिशा में पूजा करेंगे। संध्या के बाद पूजा करेंगे तो आप स्फटिक की माला लेंगे, और संध्या से पहले अगर आप पूजा करेंगे तो आप रुद्राक्ष की माला लेंगे। ठीक है, तो एक हाथ से चरखा घुमाएंगे, एक हाथ से रुद्राक्ष का पे गिनती करेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हवन का कोई विधान नहीं दिया गया है। मान्य यह है कि 21 दिन की साधना के बाद जो भी भूला हुआ व्यक्ति हो, जो भी रुष्ट व्यक्ति हो, जो भी नष्ट सामान हो, वो आपके पास वापस चल कर आता है। अब तांत्रोक्तर विषय में कई ऐसे समाधान अलग अलग चीजों के बारे में दिया हुआ है। कितनी इंटेंसिटी के साथ आप इस साधना को करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि ये साधना सफल होगी कि नहीं होगी। ऐसे जब भी इस तरीके का की साधना के बारे में मुझे पूछा गया है तो मैंने हमेशा मना किया है कि नहीं, ये साधना मैं नहीं दूंगा। मैंने हमेशा वेदों व उपनिषदों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आज पहली बार मैं आपको इसको तांडव तंत्र बोलते हैं, ठीक है, और हम जल्दी इस तंत्र के बारे में किसी को नहीं बताते। तो ये तांडव तंत्र के अंदर में आता है, और आज तक जिसने भी इसका प्रयोग किया है, ऐसा कहा गया है गुरुजनों के द्वारा कि वो साधना हमेशा सफल रही। अगर आपका भी कोई वस्तु नष्ट हुआ है या कोई रूट गया है आपसे, तो उसको वापस बुलाने के लिए आप ये तंत्र कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का आगामी विषय है, जैसे मंत्र तंत्र यंत्र कैसे प्रयोग करें, क्या सुरक्षा करें, वो हम आपको सिखाते हैं। मेरा लिखा हुआ लेख या आगामी कार्यक्रम जानना है तो www.aghortantrasa.com पर जाइए। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी हो तो 9431188585 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। अगर मुझे लगा कि आवश्यक है तो मैं आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी की रक्षा करें, आपके जो भी रूप है और नष्ट संबंध है उसको फिर से बनाए, ऐसी मेरी कामना। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश, आदेश।